वेलकम टू रेक्टो मॉड्यूल। आज के वीडियो में हम एक नया टाइप का ESP32 बोर्ड देखने वाले हैं, जिसमें कि हमें माइक्रो यूएसबी की जगह एक टाइप सी कनेक्टर मिलता है और इसमें कुछ बेसिक एक दो डिफरेंसेस हैं, अपन चेक करते हैं वन बाय वन। तो रेफरेंस के लिए मैंने एक पुराना वाला ESP32 बोर्ड ले लिया है जिसमें माइक्रो यूएसबी पोर्ट है, ठीक है। तो दोनों के अपन डिफरेंसेस एक बार चेक करते हैं। तो यहाँ पे लगा हुआ है माइक्रो यूएसबी पोर्ट और इस वाले में लगा हुआ है टाइप सी। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि जो टाइप सी पोर्ट है ना, वो हर एक डिवाइस में आ रहा है। तो ESP32 बोर्ड भी टाइप सी वाला आ गया है मार्केट में, कहीं कहीं पे अवेलेबल नहीं होता ये। इसके साथ प्रॉब्लम ये थी कि अगर माइक्रो यूएसबी वाला मैं लेता हूँ तो इसमें क्या होता है, मुझे अलग से एक माइक्रो यूएसबी वाली केबल लेके आनी पड़ती है और वो कुछ टाइम बाद खराब भी हो जाती है। पर टाइप सी में ऐसा नहीं होता, मैक्सिमम डिवाइसेस मेरे टाइप सी पे ही रन होते हैं आज के जमाने में, और ये टाइप सी इजीली मिल जाता है मार्केट में। और दोनों में दूसरा डिफरेंस जो है वो ये है कि यहाँ पे लगी हुई है CH340 चिप जो कि ESP32 और USB प्रोटोकॉल दोनों के बीच में कम्युनिकेट करेगी। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे लगी हुई है सिलिकन की CP2102 चिप लगी हुई है। तो ये थोड़ा सा ज्यादा एफिशिएंट और जल्दी डेटा ट्रांसफर कर पाती है, पर इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। बेसिकली अपना जो CH340 चिप्स होती है उसी के अंदर अपना पूरा काम हो जाता है। इसके अलावा कुछ ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है इनके अंदर, कुछ बेसिक सर्किटरी के डिफरेंसेस हैं। ये वाला जो डिवाइस है ये ऑटो बूट है और ये वाला भी ऑटो बूट है, इसमें बटन प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और ये 3.3 वोल्ट वोल्टेज रेगुलेटर है। यहाँ पे एक इनबिल्ट एलईडी है, एक पावर की एलईडी है, कुछ यहाँ पे GPIO पिन है, कुछ यहाँ पे भी GPIO पिन है, और यहाँ पे एक ये बूट का बटन है और ये इनेबल या रीसेट का बटन दिया हुआ है। इसके अलावा ये हमारी मेन चिप है, ठीक है। और इसके अलावा ये पीछे कुछ नहीं लिखा होता है इसमें, इसको ब्रेडबोर्ड में जस्ट इंसर्ट करके जो भी अपना टास्क है वो कर सकते हो। इसमें इनबिल्ट अपना ब्लूटूथ वाईफाई और BLE तीनों चीजें ही होती हैं, ठीक है। तो ये IoT के लिए बेस्ट हार्डवेयर है मार्केट में जो अभी अवेलेबल हो जाता है, और ओपन सोर्स है तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती है। थैंक यू।